ओके सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग कैसे हैं एक बार बता देंगे, और सभी को राम राम, जय महाकाल। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, और एकदम यहाँ पर सब कुछ सही है ना। वैसे जल्दी सब कुछ सही होता नहीं है, बट ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही रहेगा क्लास के अंत तक। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। और क्लास में आने से पहले ही मैम के काफ़ी सारे हार्ट्स की बारिश हो चुकी है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वेरी वेरी गुड इवनिंग जूफू, मनोज, सैमी, थैंक यू सो मच सैमी, विनय तिवारी, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी, कि आप सभी रेडी हैं आज के सेशन के लिए स्पेशली? ठीक है, क्या आप सभी रेडी हैं तो बताएंगे। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और मैं बता दूं कि जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए, ठीक है, हाँ जी, जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए एक बढ़िया सी अच्छी सी न्यूज है। वो क्या है? वो ये है कि आपने यदि अभी तक अद्वैत एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। मैम कहाँ से कर सकते हैं? प्ले स्टोर से कर सकते हैं, जहाँ से हम बाकी के बकवास एप्स भी डाउनलोड करते हैं, लाइक शॉपिंग के, गेमिंग के एंड ऑल दैट। ठीक है, चलिए बच्चों, आई होप आप सभी रेडी होंगे। और आज के क्वेश्चंस की जो पारी है, वो राउंड जो है हमारा रैपिड फायर राउंड, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, हमेशा की तरह हमारी कोशिश है, कल सेशन अपना थोड़ा शॉर्ट था, जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल नो दैट कि थोड़ा सा चल रहे हैं, मेरे साथ इशू चल रहे हैं जो कि रिजॉल्व होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वॉट कैन आई से, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ इस चीज़ पर, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बच्चों मैं कुछ कह नहीं सकती। आज आपको पता है मैंने एक गाना कई बार सुना। ठीक है, सभी लोग आ जाएंगे जल्दी से, थोड़ी सी ऐसी बात कर लेते हैं, जो व्हाट्सएप में जुड़े उन्होंने देखा भी होगा। ठीक है, गाना तो नहीं गाऊंगी, बट ऐसे ही कहना चाहूंगी कि माना कि मुश्किल है सफर मुसाफिर, पर कभी भी रुकना मत। ठीक है, कभी भी रुकना मत, क्योंकि यदि रुक गए ये देख कर कि जो हमारा रास्ता है वो काफी मुश्किल है, तो हम कभी उस चीज को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि हमें कभी ये लगे कि यार अब नहीं हो पाएगा, बहुत दिन हो गए गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हुए, प्राइवेट वाले कहीं आगे निकल रहे हैं, तो यदि आपको कभी भी ऐसा लगे तो हमेशा याद रखना कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, शायद उस दिन आपको जो जितनी भी पुरानी कहना चाहिए, मतलब जो भी चीजें थी, बहुत सारी चीजें होती हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे टफ फेज जो होता है वो यही होता है ना, आफ्टर ग्रेजुएशन, आपके गवर्नमेंट एग्जाम के, गवर्नमेंट कहना चाहिए सिलेक्शन तक। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम सिलेक्शन तक, तो इस दौरान जो है आपको काफी कहना चाहिए पॉजिटिव रहना चाहिए। वेरी वेरी गुड इवनिंग दिलीप, गरिमा, कृष्णा, ललिता, बसंत, जुफू, लखन। ठीक है, हाँ जुफू, कल तो मत ही पूछो, कल मैम ने कैसे क्लास ली है ना, मत ही पूछो बच्चा। तो वही है, अप्स एंड डाउन्स तो बहुत सारे चल रहे हैं, बट हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए कि भाई कितनी भी ऑड्स आ जाए, ठीक है, अपन लगे रहते हैं ना। बिल्कुल, आप लोग भी मेरे साथ लगे हुए हैं, और साइंस के इस समय हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस प्रिपेयर करते जा रहे हैं। जब आप देखोगे ना, पूरा जुलाई मंथ एंड होगा, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा यार हमने काफी सारी चीजें सीख ली है ना, एंड ऑफ द मंथ आपको ऐसा लगेगा। और जब एंड ऑफ द ईयर होगा तो आपको और फील होगा कि हमारे तो हजारों लाखों क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो बस छोटा छोटा मिलाते जाएंगे और बड़ा बनाते जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच बसंत लाल, थैंक यू सो मच डियर। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। यहाँ पर हिंदी में है, आगे इंग्लिश में भी लिखा है, तो कोई भी परेशान नहीं होगा। ठीक है, चलिए, देयर आर दी फोर ऑप्शंस। पहला कह रहा है वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, नीला थोथा, हाइपो। देयर आर दी फोर ऑप्शंस, इन सभी को आपको मैच दी फॉलोइंग बनाना है। वेरी वेरी गुड इवनिंग राहुल, क्या हाल चाल है डियर। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी लोग जो है सेशन को लाइक और शेयर करेंगे और अटेंडेंस अपनी लगा देंगे, है ना, फास्ट एंड फास्ट। चलिए भाई, तो फास्ट एंड फास्ट अटेंडेंस लगा दीजिए आप सभी, और आगे बढ़ते हैं अपन। क्या कहती है आज का फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब, क्या कहता है बच्चों का, ये देखते हैं। ठीक है, वैसे सबसे आसान क्वेश्चन है यार, मुझे ऐसी उम्मीद है कि एकदम ही आसान क्वेश्चन है और आप सभी सही जवाब दोगे, तो ये देखते हैं ना कितने बच्चे यहाँ पे सही जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए, ये ऐड भी अलग से परेशान किए रहते हैं ना, मतलब जब मुझे बच्चों का जवाब देखना है तो ऐड आ जाएगा।
चलिए यहाँ पे क्यों तुम लोग दोस्त बन गए हो क्या, ऑनलाइन फ्रेंड्स बन गए हो क्या, सोशल मीडिया फ्रेंड्स? राहुल और बसंत, श्रद्धा ने भी दिया है, जुफू ने भी दिया, लीना ने भी दिया, आज लीना भी जुड़ी है, वेरी वेरी गुड इवनिंग मैम। और दिलीप वर्मा, सबका बी ऑप्शन आ गया है, ठीक है। चलिए बी जवाब आया, ये देख लेते, देखो सबको ही पता है कि मैम जो पहला है वॉशिंग सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, ठीक है मैम, पहले को हमने चौथे से मैच कर दिया। फिर दूसरा आता है मैम कॉस्टिक सोडा, जिसे हम क्या कहते हैं मैम, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH3 होल ट्वाइस कहते हैं। देखो सबको पता है कि जो नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 होता है, ठीक है, यानी कि C2 बन गया। C2 सिर्फ और सिर्फ किस पे है, बी ऑप्शन में ही है। और हाइपो जो होता है वो सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है, ये आपको नहीं भी पता रहा होगा तो भी आपने सही कर लिया, क्योंकि ऊपर के तीन ऑप्शन जो थे वो आसान थे बच्चों, है ना। यदि ऊपर के तीन ऑप्शन थोड़े से टफ होते तो आप फिर ये हाइपो टिक नहीं कर पाते, मुझे उम्मीद कम है, ठीक है। बट मेरे बच्चों ने जवाब सही दिया है, और आज का जो श्री गणेश हुआ है वो बहुत ही सही जवाब से हुआ है, जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने जो है सही जवाब दिया है, सो इट्स गुड, है ना, ठीक है। चलिए ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग शुभम, आई एम एज इट इज, मैं जैसी थी बिल्कुल वैसी ही हूँ, रिकवरी में कोई सुधार मुझे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, बट आई विल ट्राई कि ठीक हो जाऊँ मैं, देखते हैं बच्चों। कई कई बार तो मुझे ही ऐसा लगता है यार, मैं बच्चों को इतना मोटिवेट करती हूँ, मैं खुद कैसे मोटिवेटेड रहूँ, कई बार ऐसा हो जाता है पता है। सो फिर जैसे आपके गुरु हम हैं, वैसे हमारे भी गुरु हैं, है ना, तो बस फिर हम अपने कुछ गुरुओं की बातें सुनते हैं कि भाई, तो फिर हम मोटिवेट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबका जवाब सही रहा है, इंग्लिश की नीड नहीं पड़ी है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, ब्लैक इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग इक्विपमेंट। ये क्वेश्चन आपके अभी छत्तीसगढ़ पटवारी में पूछा गया था, ये प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ पटवारी में पूछा गया था, ठीक है। चलिए हाँ, उसमें ये पूछा गया था, पहले जवाब आ जाए उसके बाद मैं बताऊंगी क्या पूछा गया था, ठीक है। चलिए सैमी, क्या हाल चाल है, काफी दिनों बाद जुड़े हो सेशन में। यार सबका जवाब सही है, कुछ लोगों का ही गड़बड़ है बस, है ना। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होना आम सी बात है। देखो नॉर्मली तो ना बच्चे ये सोचते हैं कि हीटिंग इक्विपमेंट की बात चल रही है, यानी कि हीटिंग मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है, तो हम ना चलो वायर वाला ही लगा देते हैं, जो हमें पता है कि कॉपर का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो कॉपर का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह बनाने में, ठीक है। बट बच्चों होता क्या है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर ना आपका जो प्रश्न है वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग इक्विपमेंट, जैसे आपने देखा होगा कि अभी तो कम यूज होता, ऑलरेडी बिजली महंगी है, ठीक है, पर पहले लोग जहाँ पर कटिया वटिया फंसा के रखते थे वहां पर हीटर वगैरह चलाते थे, और हीटर की जो कॉइल होती थी बच्चों वो कैसी होती थी मैम, वो ऐसी होती थी, ठीक है, हीटर की कॉइल बच्चों ऐसी होती थी। तो मैम जो हीटर की कॉइल वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग इक्विपमेंट, उसमें हम यूज करते हैं नाइक्रोम एलॉय का। नाइक्रोम इज एन एलॉय, नाइक्रोम जो है ना बच्चों वो एक मिश्र धातु है, ठीक है, एलॉय है, ना कि कोई मेटल है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नीचे दिए गए जो तीन ऑप्शन है कॉपर आयरन एंड एल्यूमिनियम, के 3 आर दी मेटल नॉट एलॉय, बट नाइक्रोम इज एन एलॉय। नाइक्रोम जो है ये क्या है मैम, मिश्र धातु है, क्लियर है। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, बहुत बढ़िया, अच्छा है, आप मतलब वर्क कर रहा है, इट मीन्स गुड, ठीक है, मुझे लगा कि तैयारी चल रही है या नहीं इसलिए मैंने पूछा, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। देखो इंसान को ना बिजी होना चाहिए अच्छे कार्यों में, ठीक है ना, अपने वर्क में बिजी होना चाहिए। और लोग सोचते हैं यार मैं कब फ्री होऊंगा, फ्री लाइफ सबसे बेकार लाइफ होती है दुनिया की, पता है, सबसे बेकार। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े थे सबको ना मैं बोल दूं, 2 दिन तक आपको कुछ भी नहीं करना है ना, तो सबके सब ना पागल होने लग जाओगे, बोलोगे माय गॉड 2 दिन तक पागल हो जाएंगे मैम। नहीं स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ही लगता है यार, मैं कब पढ़ाई पूरी होगी यार, कंप्लीट कब होगा, कब जॉब लगेगी, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। और जब जॉब लग जाएगी फिर आप डेली डेली जॉब करोगे तो आपको लगेगा यार मैं कब फ्री होऊंगा। एक्चुअल में जो लाइफ है, जो एंजॉयमेंट है, वो बिजी रहने में है। खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसे ही नहीं कहा गया है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, नाइक्रोम।
इसीलिए कभी किसी को लगे ना यार आज मैं फ्री हूँ, तो खुद को तुरंत बिजी कर लो, तुरंत बिजी कर लो। उससे क्या होगा, जैसे ही आप अपने आप को बिजी कर लोगे तो आपकी इम्पोर्टेंस लाइफ में बढ़ती जाएगी, क्योंकि यदि आप फ्री हैं तो आप दूसरों को करोगे मम्मा क्या कर रहे हो, पापा क्या कर रहे हैं, घर वालों को लगेगा अरे कितना फ्री है, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब आप अपने आप को बहुत बिजी करोगे पढ़ाई में या किसी रिवीजन में या हो सकता है कुछ नया सीखने में, तो ना ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू बढ़ती है ना। तो इसलिए अपने आप को मैक्सिमम बिजी रखना है। यदि आपके पास एक घंटा फ्री हुआ तो सोचो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मत सोचो कि मैं किससे बात कर लूँ, नहीं, जिससे बात करोगे वो आपको फोकट समझ लेगा, ठीक है। चलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो नाइक्रोम की जब हम बात करते हैं तो नाइक्रोम जो एलॉय है, थैंक यू सो मच मनप्रीत मैम, ये किस किस से मिलकर के बना है, चलिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कि नाइक्रोम जो है वो किस किस चीज से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। नाइक्रोम एलॉय जो है वो किस किस मेटल से मिलकर के बनती है, यही प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी में अभी लेटेस्ट 5 प्रश्न आए थे। उन 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी था आखिरी का एक सेट में कि नाइक्रोम जो मिश्र धातु है वो किस किस से मिलकर बनी होती है। ये प्रश्न मैं दूसरी बार करा रही हूँ ताकि अब कोई बच्चा गलती ना करे, और आज मैं आपको इतनी मिश्र धातुएं बता दूंगी कि अगली बार पेपर में कोई भी मिश्र धातु का क्वेश्चन आएगा, अभी भी सही जवाब मुझे नहीं मिल रहा है ना, टोटली सही जवाब मुझे अभी भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ये आपके छत्तीसगढ़ का ही क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में ही ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अभी मैं उम्मीद नहीं करती कि गलत करोगे, ठीक है। अब देखो बहुत सारी मैं आपको मिश्र धातु में बताती हूँ बच्चों। देखो पहला है कि स्टेनलेस स्टील, ठीक है, क्या है स्टेनलेस स्टील, चलिए स्टेनलेस स्टील किससे किससे मिलकर के बना होता है, तो ये बना होता है आयरन से, निकिल से, क्रोमियम से एंड कार्बन से, ठीक है। मैम ड्यूरल मीन सारे के सारे आएंगे ना आपको, सारे के सारे सीखने, ठीक है। अभी क्योंकि मुझे सब बच्चों की तरफ से जवाब नहीं मिले हैं कि नाइक्रोम किससे किससे मिलकर बना होता है, तो मैं आपको भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एलॉय बताने वाली हूँ, जो बच्चा नहीं जानता है वो राइट डाउन करेगा अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए ड्यूरालुमिन जो है एयरक्राफ्ट में यूज होता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये एल्यूमिनियम के साथ साथ कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से मिलकर के बना होता है। देखो मैंने बहुत बार याद करवाया है पीतल, तांबा, जिंक, कांसा, तांबा, टिन। तो मैम जो पीतल है वो तांबा और जिंक से बना है, मैम जो कांसा है वो तांबा और टिन से बना है, तो आप ऐसे राइमिंग में याद रख सकते हो जिससे कभी भी कंफ्यूजन ना हो। पीतल, तांबा, जिंक, कांसा, तांबा, टिन, कैसे याद रखोगे, पीतल, तांबा, जिंक, कांसा, तांबा, टिन, ठीक है। तो मैम पीतल, तांबा, जिंक, कांसा, तांबा, टिन, ठीक है। अगली बात आते हैं मैग्नीलियम में, ठीक है। मैं आज की बात सोच के मुझे हंसी आ रही है कि एक्चुअल में आज हुआ क्या कि जब सेशन स्टार्ट हो रहा था एवरीथिंग वाज राइट है ना, मैंने सोचा आज तो एकदम टाइम से स्टार्ट होगा और मेरा पीसी जो है ऑफ हो गया, एक बार नहीं दो बार ऑफ हो गया, फिर मुझे उसकी बैटरी निकालनी पड़ी और फिर से लगानी पड़ी। तो मैं सोच रही थी मतलब मतलब इंसान कितना ही पॉजिटिव ले चीजों को, है ना, मतलब बच्चों को मैं डेली नहीं बता सकती ना एक्चुअल में क्या हुआ, है ना, एक्चुअल में क्या हुआ। यदि सब कुछ सही है तो कुछ ना कुछ होना है। अभी मैं ना अपने आप को अडॉप्ट कर चुकी हूँ कि ठीक है, मतलब कई बार लाइफ में आपको चीजें आसानी से नहीं मिलती, तो वही मुझे सोच के हंसी आ गई कि मतलब आज एक्चुअल में क्या हुआ, दो बार पीसी ऑफ हो गया, गायब भी हो गया सब कुछ, ठीक है। तो सोचो लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब हर चीज को पॉजिटिव लो, अदरवाइज स्टार्टिंग में ही मूड ऑफ हो जाता है। मैग्नीलियम किससे मिलकर बना होता है, एल्यूमिनियम और मैग्नीज से, इसका यूज भी हम एयरक्राफ्ट में करते हैं। शोल्डर बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप जितने भी देखते हैं ना पीसीबी वगैरह देखते हैं, आप टीवी वगैरह देखते हैं, तो टीवी में कभी पीछे की पीसीबी अब तो नहीं है, पीसीबी में आपका आप तो आपका एलसीडी वगैरह आ गई है टीवियां एक से एक महंगी, बट पहले जो टीवी होती थी और डब्बे वाली टीवी, उसमें जब टीवी बनाने वाले अंकल जी आते थे तो पीसीबी निकाल के और यू शोल्डर करते रहते थे। तो वो शोल्डर जो है ये ना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है बेसिकली, है ना, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो मैम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जब हम प्रोवाइड करते हैं छोटे छोटे इक्विपमेंट्स के बीच में, ठीक है, ये किससे मिलकर बना होता है, ये लेड और टिन से मिलकर के बना होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इस पर गोला मारा है। थैंक यू सो मच रोहित। एसएससी जेई वालों का पेड ग्रुप में कब पढ़ाएंगे, अब डिपेंड करता है आपने एसएससी जेई कौन से ब्रांच से हो आप डियर, और कौन से ब्रांच के साथ साथ कौन सा बैच लिया है आपने। जितने भी आपके वो हैं, मतलब
पेड ग्रुप है, पेड बैचेस हैं, पेड बैचेस में मेरा पूरी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि सितंबर में मैं पढ़ा पाऊंगी, सितंबर में मैं पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। तब तक ही मुझे, तब भी फिंगर क्रॉस है कि मैं ठीक हो जाऊं, ठीक है, सितंबर में पढ़ा पाऊंगी ऐसी उम्मीद है, बट पढ़ाऊंगी। एसएससी जेई मेरा फेवरेट बैच होता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बायोलॉजी आती है और बायोलॉजी मेरी फेवरेट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। तो पीतल आपको पता है, तांबा आपको पता है, मतलब कांसा पता है। गन मेटल से एक क्वेश्चन बनता है, गन मेटल किसकी किसकी मिश्र धातु है, तो ये कॉपर टीन और जिंक की मिश्र धातु है, जिसका उपयोग हम मशीन के उपकरण व बंदूक वगैरह बनाने में करते हैं। भाई गन मेटल है ना, तो गन के इक्विपमेंट से तो बनाएंगे उससे, ठीक है। कॉन्स्टेटन बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, देखिए पर्सनल पे बताते हैं, ठीक है। विटामिन डी बहुत कम हो चुका है, जिससे क्या है बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। B12 एंड कुछ कहते हैं ना, अच्छा बड़े लोगों वाली बीमारी ऐसा कुछ हो गया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कॉन्स्टेटन जो है वो कॉपर एंड निकिल के साथ मिलकर के बना होता है। बेल मेटल जो है वो कॉपर एंड टिन से मिलकर बना है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक एंड निकिल से मिलकर बना है। इसका भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, इसका भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बच्चों क्लियर हुआ? तो मैम हमने अभी जितने भी अलॉय देखे हैं आपके पेपर में, कोई सा भी पूछे तो आई थिंक, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सही जवाब दे दोगे। मैं उम्मीद सही कर लूँ कि गलत कर लूँ, बताओ, मैं उम्मीद सही कर लूँ कि गलत कर लूँ कि सारे के सारे आप लोग सही जवाब दे दोगे। अगला है रोल्ड गोल्ड, लड़कियों का फेवरेट है ना, जो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो पहनते हैं वो सब किससे बनी होती है, रोल्ड गोल्ड से। तो क्या लगता है वो गोल्ड होगा उसमें? नहीं भैया, कॉपर और एल्यूमिनियम से बनाई जाती है वो सारी की सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी। जो डेल्टा मेटल होता है वो कॉपर जिंक एंड आयरन से मिलकर बना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट डेल्टा मेटल इज कि इसका उपयोग हम पानी के जहाज के प्रॉपलर वगैरह बनाने में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, दैट्स वाई। मुंज मेटल, मोनेल मेटल, डंच मेटल, ये ऐसे हैं एलॉय जिनसे क्वेश्चन बन गया तो आप सपने में भी जवाब नहीं दे पाएंगे यदि आपने पढ़ नहीं रखा है तो। मुंज मेटल जो है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। मोनेल मेटल कॉपर एंड निकिल से मिलकर बना है। डंच मेटल कॉपर और जिंक से मिलकर के बना हुआ है, क्लियर है। चलिए, रोल्ड गोल्ड और डंच मेटल दो ऐसे कहना चाहिए एलॉय हैं जिनका यूज हम करते हैं सस्ते आभूषण बनाने में, क्लियर है सभी को। अब हमारा जो प्रश्न था हम उस पर चलते हैं, उसके साथ ये तो मैंने आपको बोनस मार्किंग दे दी। जिन बच्चों ने देखो ना नाइक्रोम में ना दो वर्ड छुपे हुए दिख रहे हैं मैम, पहला वर्ड दिख रहा है निकिल और दूसरा दिख रहा है सीएच क्रोमियम। ये सीएच वो वाला नहीं है जो आप लोग आमतौर पर भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, ठीक है। तो Ni प्लस CH तो दिख रहा है मैम, यानी हमें याद करने की भी नीड नहीं है, क्लियरली दिख रहा है कि मैम निकिल प्लस क्रोमियम, इसके साथ अक्सर आयरन मिला दिया जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में आयरन कम बच्चों का जवाब दिख रहा था, आप लोगों ने ऐसे ही रट लिए होंगे जैसे ही बताया मैम ने, है ना। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सैमी ने एकदम सही बात ली थी। जर्मन सिल्वर में हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि ऐसा भी पूछता है निम्नलिखित में से किस में सिल्वर प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो सिल्वर जो है नहीं प्रेजेंट होता, प्रेजेंट होता है भाई। जब जर्मन सिल्वर का आपको कंपोजिशन पता चल गया तो ये भी समझ आ गया कि इसमें कोई भी सिल्वर विल्वर नहीं है भाई, उल्लू बनाया जा रहा है आपको, ठीक है। चलिए, तो जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ जवाब दिया था कि नाइक्रोम में निकिल प्लस क्रोमियम होता है, उसके साथ थोड़ा और याद रखना आयरन भी होता है, ठीक है। क्या होता है? आयरन भी। देयर आर दी थ्री मेटल्स इन दी नाइक्रोम एलॉय, ठीक है। नाइक्रोम में तीन तरह की मेटल्स होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया, दूसरे प्रश्न के समापन के बाद थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ना कई तरह से पूछा जाता है बच्चों, क्या बात है, बहुत बढ़िया जुफू, बिल्कुल। मैंने पटवारी का पेपर भी सॉल्व कराया है, वहां पर भी ये बताया था, इसके अलावा भी मैंने ना एक बार कराया है। देखो कई बार क्वेश्चन रिपीट करने का जो मोटो है वो यही है कि पुराने बच्चों को चीजें याद है कि नहीं याद है, जैसे जुबू को याद है, ठीक है, श्रद्धा को याद है, दिव्या को याद है। चलिए सभी का जवाब आ गया है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चों एक क्वेश्चन और भी बनता है,
इस प्रश्न को घुमा के कैसे पूछता है, सुनना मेरी बात को, ठीक है। जितने भी बच्चे उन्होंने अभी लाइक नहीं किया ना, ठीक है, और शेयर भी नहीं कर रहे हो, फिर मैम जल्दी से सेशन छोड़ देंगी, फिर बोलोगे मैम आज कम पढ़े। यार सेशन को शेयर वेयर करना है यार, फास्ट ऑन फास्ट, है ना। चलिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मैक्सिमम होता है वो होता है हीरे का, और वो होता है 2.42, दैट इज 2.42, दैट इज ऑप्शन बी, जो कि मैक्सिमम बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आया था। चलिए, हमेशा की तरह मैम आपको बोनस इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है, बेंजीन का पूछता है, अल्कोहल का पूछता है, और डायमंड का पूछता है। ये सभी आपको पता होने चाहिए, एज वेल एज आइस एंड वाटर का भी। एयर का होता है 1, ठीक है, आइस का होता है 1.31, वाटर का होता है 1.33, अल्कोहल का होता है 1.36, और साथ ही साथ बेंजीन का 1.5, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमंड का 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42। बहुत बढ़िया आरपी, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड वन। डायमंड का इसमें दिख नहीं रहा है, बट ये जो पूरी की पूरी आपने लिस्ट देखी ना, इससे आपका क्या क्लियर हो गया बच्चों, इससे आपका क्लियर हो गया कि मैम मिनिमम किसका है, मैक्सिमम किसका है, ठीक है। दिख नहीं रहा है बट सबसे नीचे डायमंड लिखा, और डायमंड का कितना होता है, 2.42 होता है। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी। वेरी वेरी गुड इवनिंग फुलेश्वर, क्या हाल चाल है डियर। अगला प्रश्न एकदम आसान सा बता दो जल्दी से, अभी आसान क्वेश्चन है बेटा, आज मैंने अच्छे वाले क्वेश्चन लास्ट में रखे, तो लास्ट तक मैं देखते हैं ना बेटा किसकी एनर्जी बची। मैंने सोचा यार शुरू शुरू में लेकर जाओ, तो यार बच्चे ही नहीं रहते, लास्ट में रखती हूँ आज मैं अपने टफ वाले क्वेश्चन। तो अभी ना 8-10 क्वेश्चन के बाद आने वो स्टार्ट होंगे, ठीक है, जो आपके IAS वाले, UPPCS वाले, MPPCS वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, फिर भी अभी कुछ गलत करेंगे, देखना ना श्रद्धा, इस क्वेश्चन को भी गलत करेंगे कुछ लोग, कर दो यार कोई गलत। अरे नहीं मैम, हम समझने लगे हैं आपको और आपके प्रश्नों को, ठीक है। गुड इवनिंग अद्रिजा। तो यहाँ पे जो है बच्चों, द फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल इज, द फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल इज C2H5OH, सभी को पता है मैम, जिसे हम एथिल एल्कोहल कहते हैं, और एथिल एल्कोहल के बारे में भला छत्तीसगढ़ में कौन नहीं जानता। मैम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा लिकर स्टेट माना जाता है ना, लिकर सबसे ज्यादा बिकता है कहाँ पर, एथिल एल्कोहल सबसे ज्यादा अपने छत्तीसगढ़ में बिकता है, ठीक है, लॉकडाउन में तो देख ही लिया आप लोगों ने वो लाइन। तो एथेनॉल का फॉर्मूला जो है वो C2H5OH है, इसे हम एथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ प्लांट सेल वॉल मेड ऑफ, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्लांट सेल यानी पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, देयर आर दी फोर ऑप्शंस, आइए देखते हैं कितने बच्चों का जवाब सही आता है यहाँ। चलिए जल्दी जल्दी जवाब देंगे यार, फास्ट, है ना, फास्ट, ताकि हम जल्दी से इजी क्वेश्चन को कंप्लीट करके आगे बढ़ सके। चलिए, ठीक है, चलिए फास्ट 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 फास्ट, और सबका जवाब आ चुका है, लीना, थानेश्वरी, अद्रिजा, आरपी, जय, लखन, शुभम, रेवा, दिव्या, सैमी, सबका जवाब, कृष्णा, दीपक, बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पेपर में कि जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। तो मैम प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। पैक्टिन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ प्रोटीन हम कह सकते हैं। यू कैन सी फ्रॉम हियर कि मैम फ्रॉम दिस डायग्राम सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का होता है, जहां पर मैम सेल्यूलोज होता है और क्या होता है, पैक्टिन भी होता है, मोस्टली सेल्यूलोज की बनी होती है। पेपर में ऑप्शन सिर्फ सेल्यूलोज भी दे सकता है, ठीक है, और खालिस्तान पूछा तो आप सिर्फ सेल्यूलोज ही चेक करेंगे। चलिए एक और अगला प्रश्न है, जो क्वेश्चन अच्छा है लेकिन पुराने बच्चे जवाब दे पाएंगे, नए बच्चे नहीं दे पाएंगे, आई नो दैट, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने ये क्वेश्चन कर रखा है, है कि नहीं श्रद्धा। चलिए आइए देखते हैं, अ फ्लैट वर्म कॉल्ड है ब्लैंक एस वेरी नॉर्मल आइस विच आर रियली जस्ट आई स्पॉट दैट डिटेक्ट लाइट, और यहाँ पर चूंकि सभी बच्चों का जवाब स्कैरिस आ रहा है, ओ ओ
श्रद्धा लिटरली मुझे इतनी गुस्सा आई थी ना, मुझे इतनी गुस्सा आई ना ए ऑप्शन देख के, तुम्हारा मन कर रहा था ना ये श्रद्धा और तुम जुफू दिव्या तुम लोग आओ इधर आओ, अभी अभी कराया है कुछ दिनों पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया, उसके बाद भी गलत किए ना कसम से ना। ओ माँ सॉरी शक्तिमान। नहीं मतलब लिटरली मैं सोची कि क्या सच में इन लोगों को कच्चा बादाम मुझे मुझे भिगो कर खिलाना पड़ेगा। हाँ मतलब मैं भिगोऊं और अपने बच्चों को कच्चा बादाम खिलाऊं, ऐसी स्थिति आ चुकी है क्या? आई वॉज लिटरली शॉक। ठीक है क्या बात है, थैंक यू सो मच आरपी, थैंक यू डियर। तो यहाँ पे देखो पहले तो सबने ए लगा दिया है ना, रश्मि भी जुड़ी है हमारे साथ, लेकिन फिर याद आया कि मैम अभी अभी तो हमने किया था। देखो बच्चों ध्यान से देखो इस जानवर को, इसकी आपको दो आंखें आंखों जैसा कुछ दिख रहा होगा, ठीक है ना, आंखों में तेरी बिल्कुल गाना है ना, बिल्कुल बिल्कुल इसकी आंखों में चले जाओ। ठीक है कैसी याद आए दिख रही है, व्हाइट व्हाइट सी, इट्स नॉट अ आई बेसिकली, ये आंख नहीं है, ये आंख जैसी संरचना है जो सिर्फ और सिर्फ कहना चाहिए लाइट को डिटेक्ट कर पाती है। ये आंख नहीं है कि हमारी तरह आंखें ऐसे ऐसे करके ये देख सकते हैं, नहीं। ठीक है बच्चों, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना मतलब मैं सोची कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, ठीक है फिर चलो सही कर दिया तो अच्छी बात थी, चलो माफ कर दिया। ठीक है यदि नहीं लिखते तो शायद मैं माफ नहीं कर पाती, यदि तुम लोग स्कैरी सी लिख देते तो। ठीक है यानी अब मैं समझ गई, जो क्वेश्चंस थोड़े टफ से हैं वो मुझे जरूर लाने चाहिए दोबारा भी, है ना, ताकि तुम लोग का रिवीजन होता रहे, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैम यहाँ पे जवाब है फ्लैट वॉर्म, क्वेश्चन पूछा गया कौन सा फ्लैट वॉर्म है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो स्कैरिस है, स्कैरिस इज नॉट अ फ्लैट वॉर्म। ठीक है पहली बात, स्कैरिस जो है राउंड वॉर्म में आता है। कैसी बात कर रही है मैम, हाँ बेटा जी आइए, हाँ आपको आज समझाते हैं बड़े प्यार से समझाते हैं। ठीक है चलो, मैंने कहा जैसे जैसे मैं क्या कहूँ, जैसे मैं कहूँ कि ये है, ठीक है ये है एक चीज है, छोड़ो जो भी है मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन क्यों करूं, ये फ्लैट है। ठीक है जैसे मैंने ना सपोज कर बस फ्लैट चीज है, तो मैं प्लेट कैसी होती है, फ्लैट होती है, फ्लैट प्लेट पे हम क्या रख के खाते हैं, पोहा खाते हैं कुछ भी खाते हैं, प्लेट पे खा सकते हैं ना, तो प्लेट बेसिकली कैसी होती है मैम, फ्लैट होती है ना, ऐसी फ्लैट। ठीक है तो मैम फ्लैट का मतलब है हम याद रखेंगे फ्लैट वॉर्म प्लेटी हेलमेंटिस, प्लेटी में एक वर्ड छुपा हुआ है प्लेट, प्लेट इज फ्लैट, दैट्स व्हाई फ्लैट वॉर्म्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्लेटी हेलमेंथिस। सो बोलो जरूर, बोलो जरा। बिल्कुल बिल्कुल सैमी, थैंक यू सो मच। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है कोई बात नहीं मैम, है ना। ठीक है यहाँ पे तो मैंने क्या कहा, तुम लोग के एग्जाम तक ना यदि डेली क्लासेस में, मैं फिंगर क्रॉस करती हूँ, ठीक है डेली क्लासेस इतने क्वेश्चन कर लेंगे ना अपन जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है हद क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग। तो यहाँ पे मैम जो प्लेटी हेलमेंथिस होते हैं उनके बारे में आप हमें बताइए जरा बच्चों, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्लेटी हेलमेंथिस के जो जितने भी जानवर है ये सबके सब फ्लैट होते हैं जैसा भी मैम ने दिखाया। ठीक है एंड स्कैरिस इज नॉट अ फ्लैट वॉर्म, स्कैरिस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जैसे मेहंदी की डिजाइन होती है ना, ऐसा होता है यहाँ पर, स्कैरिस वही है जो बचपन में अपन बहुत मीठा खाया करते थे तो पीछे से निकलते थे, याद आ रहा है कुछ? ठीक है कुछ याद आ रहा है? ठीक है वही है भैया, वो नहीं है फ्लैट वॉर्म, वो ना राउंड हो जाते एक समय पर जाकर के, और जितने भी प्लेटी हेलमेंथिस होते हैं ना ये सारे के सारे परजीवी होते हैं, ये आपकी आंतों पर, आपके दिमाग पर, आपके शरीर मतलब किसी अन्य जीव के सहारे जीवित होते हैं। ठीक है तो एग्जाम्पल क्या क्या है ध्यान से देखो, टेनिया सोलियम है, लीवर फ्लूक है, प्लेनेरिया है। टेट वॉर्म का एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि टेनिया सोलियम निम्नलिखित में से कौन सा है, ऑप्शन थे टेट वॉर्म, लीवर फ्लू, प्लेनेरिया और आपका अर्थवॉर्म, तो आपका जवाब होना चाहिए टेनिया सोलियम इज अ बेसिकली साइंटिफिक नेम ऑफ टेट वॉर्म, इसीलिए इसका मैंने रखाया है। ठीक है चलिए कैसा दिखता है ये फ्लैट वॉर्म, ठीक है हाँ हाँ लीवर फ्लू आता है बेटा, आता है बिल्कुल आता है बिल्कुल। ठीक है चलो
कुछ लोगों को तो अभी भी बहुत मीठा खाने का शौक है, तो अभी भी वो स्कैरीज को हाथ में लेके देख सकते हैं, ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड है। तो टेप वॉर्म कैसा दिखता है देख लो बच्चा, ये एकदम फ्लैट होता है, इतना फ्लैट कि आपकी आंतों पे अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत को प्रभावित करता है। ये देखो जुकू तुम्हारे लिए फैसियोला, ये भी फ्लैट वॉर्म का एग्जाम्पल है, ये कहीं पर आपको राउंड दिख रहा है क्या, तो फिर कैसे रहेगा, ये आपके यकृत को प्रभावित करता है, इसीलिए हम इसे लीवर फ्लूक भी कहते हैं। प्लेनेरियन आपके दिमाग को प्रभावित करता है और ये भी फ्लैट वॉर्म होता है। तो मैम स्कैरिस कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्कैरिस जो होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, एक्चुअल में ना स्कैरिस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, जबकि ना यहाँ पर बच्चों ये तीन के तीनों ही है ना, जो प्लेनेरियन, लीवर फ्लूक, टेप वॉर्म, ये तीनों ही आपके प्लेटी हेलमेंथिस के एग्जाम्पल हैं, किसके, प्लेट वाले, फ्लैट वाले, ठीक है। ठीक है बच्चों आगे बढ़ लिया जाए, ठीक है, लाइक कर दिए हो, सब लोग लाइक किए हो, चैनल को सब्सक्राइब किए हो, है ना, अटेंडेंस लगानी इंपॉर्टेंट है बाबू, अटेंडेंस लगानी इंपॉर्टेंट है। साइंस बाई दीपाली मैम करके टेलीग्राम चैनल है, वो जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है मैम का, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों में चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा है। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 ग्राम विद 10 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी, ठीक है, आपको कह रहा है 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ 200 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का संवेग कितना होगा, चलिए जल्दी से बताएंगे सभी लोग, ठीक है। इसीलिए मैंने फिर से दिखाया जुकू ताकि याद हो जाए बच्चा, ठीक है। यहां पर मैम काइनेटिक एनर्जी दी गई है हमें 1/2 mv² इज इक्वल टू 10 जूल, ठीक है। फिर नीचे क्वेश्चन क्या दिया गया है मैम, मास दिया गया है, मास इज इक्वल टू 200 ग्राम, ठीक है। चलिए क्या क्या गिवन है मैम, काइनेटिक एनर्जी एंड मास गिवन है, आपसे संवेग पूछा है, क्या पूछा है मैम, संवेग m इंटू v की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो आपको मास तो पता है, यदि आप वेलोसिटी निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा। तो मैम पहले हम काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन को यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है बच्चा 10, थोड़ा नीचे आ गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट यार, ये बहुत टिपिकल होता है ना एक्चुअली, इसमें मेरी राइटिंग अच्छी है, इससे जज मत करना कि इस राइटिंग खराब है मैम की, ठीक है। देखो ये हैंग हो गया, जस्ट अ मिनट ना, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। गुड इवनिंग सतीश, कैसा लेट हो गया बाबू, अभी ये हैंग क्यों हुआ है, आई डोंट नो, हैंग हो गया यार, क्या किया जाए बोलो, तुम लोग निकाल लियो सही है कि नहीं, मुझे नहीं पता यार, मुझे भी निकालना पड़ेगा, मैं रट के नहीं आती, क्या करें अभी, ये तो हैंग हो गया भैया, हाथ में निकाल लूं क्या पेन से, बैक करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट ना, गया ये, गया, नानी के घर चला गया ये, बारिश का मौसम मनाने, जैसे हम गर्मी की छुट्टियां मनाने जाते थे ना, ये चला गया नानी के घर। एग्जैक्टली ठीक है, पूरा हैंग गया, जस्ट अ मिनट, सब गायब, क्या किया जाए, कभी कभी मन करता है, क्या हम वापस आ गए बच्चों, क्या हम वापस जुड़ चुके हैं, यस यस यस, जुड़ चुके हैं, है ना।
एक छोटा सा सेशन भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ होता है तो कभी कभी लगता है ए खुदा, आगे समझ रहे हो ना क्या बोलने वाली है मैम। छोड़ो, ठीक है, चलते हैं अपन, कहाँ थे? हाँ, तो मैम यहाँ पे हम क्वेश्चन में थे अपने, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो दी गई है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 10 दी गई है, मास देखो 200 ग्राम है, तो आपके साथ इंपॉर्टेंट ये था कि आप 200 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो, ठीक है। तो देखो ये बेसिक मेथड बता चुकी हूँ, सबसे पहले लिखा करो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1 बटा 1000, तो 200 ग्राम बराबर 200 बटा 1000, मतलब इस तरीके से जो है आपका पूरा लिख करके सॉल्व किया करो। वो मैं फिर से नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। कितना आ जाएगा मास आपका 0.2 किलोग्राम, ठीक है। तो मैम 1/2 0.2 into v square is equal to 10, तो मैम ये कैंसिल हो गया, तो 10 हुआ और v is equal to आ गया मैम 10, बिल्कुल ठीक है। अब आपको निकालना है संवेग, संवेग बराबर आ गया मैम द्रव्यमान गुणा वेग, और बराबर आ गया 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, विच इज एब्सोल्युटली ऑप्शन ए, जो कि सभी बच्चों का सही था। थैंक यू डियर सैमी, थैंक यू ज्योति, बिल्कुल ज्योति का, दिव्या का, और सैमी का, और सतीश का, राहुल का, सबका जवाब सही है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बट यू गाइस किल्ड इट, है ना, आपने सही जवाब दिया, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो मैम सिर्फ बायो भूलते हैं, केमिस्ट्री भूलते हैं, फिजिक्स तो उतनी भूलती नहीं है, है ना। हाँ हाँ बेटा, फिजिक्स उतनी नहीं भूलती, ठीक है। चलो आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फास्ट। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज एन ऑक्सीजन एटम हैव, जल्दी से बता दो, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, येलो या व्हाइट कलर में लिखो, ठीक है ज्योति, जैसा आदेश है बच्चा, अभी तो इसमें व्हाइट नहीं दिखेगा बेटा, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ यार, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, ठीक है, इसीलिए तो मैंने कहा राहुल केमिस्ट्री भूलते और बायो भूलते हो, फिजिक्स नहीं भूलते। वैसे भी हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, सुबह पढ़ो और शाम को सफा, ऐसा होता है, ठीक है, तो इसको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, नहीं तो आपको भूल जाएगी। तो मैम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यदि हम इसका 2D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 and 6 हो जाएगा, और मैम आखिरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज 6, ठीक है, तो जितने होंगे वही उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज ऑप्शन बी, 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो मजा आ गया सतीश, वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन हैज हाउ मेनी डबल बॉन्ड, ये भी सबका जवाब सही आएगा, जल्दी से दे दो और आगे बढ़ जाए, बिना किसी देरी के जल्दी से जवाब दे दो बाबू और आगे बढ़ जाए, ठीक है। फास्ट हम फास्ट बता दो यार मुझे, जल्दी से बताएंगे, ठीक है, सबको पता है तो मैं इसको लिख के एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। एकदम सही जवाब है, वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन C6H6 इन द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, जिसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न फास्ट, बिल्कुल करण जौहर की धुन पे हम फास्ट हम फास्ट क्वेश्चन करेंगे, अरे एकदम मुंह वाला सवाल है, ठीक है, अब मैं बोलूंगी नहीं, इसको खट से जवाब दे दो फिर आगे बढ़ जाते हैं। मोमेंटम निकालना है और मास गिवन है और वेलोसिटी, ये भी ना जो बच्चे नहीं किए रहते वो इसमें भी घबरा जाते हैं, आप कभी बिलीव नहीं करोगे, कुछ बच्चे इस प्रश्न में भी घबरा जाते हैं बहुत तेजी से, और वो भी ठीक है। चलो जल्दी से जवाब दे दो, सबसे पहले अद्रिजा ने जवाब दिया है क्या, ठीक है, क्या बात है राहुल, आज तुम भी मेरी क्लास में, अरे वाह। तो मैम मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, 10 इनटू 2 करेंगे दैट इज 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ओके फाइन। अगला क्वेश्चन, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज जिंक हैज व्हाट, लेट्स सी गाइस, फास्ट बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। और इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छी एडिशनल नॉलेज दे सकती हूँ, ठीक है, और मैंने पहले भी दिया है, तो क्या कुछ याद आ रहा है,
क्या वो शॉर्ट ट्रिक याद आ रही है? कौन सी वाली? जोमेटो वाली नहीं, केएफसी वाली। केएफसी वाली हाँ वही तो राहुल, नहीं तो सिर्फ कोमल मैम वाले में जुड़ते हो, दीपाली मैम में कहाँ है ना। I'm just kidding. तो यहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन सी दे रहे हैं, ठीक है चलो। अच्छा पूरी रिएक्टिविटी बता पाओगे मुझे? कुछ याद आ रहा है लखन? ठीक है कुछ याद आ रहा है? याद आई कुछ ट्रिक जो मैम ने बताई थी? पता नहीं ट्रिक वाला पेज है भी कि नहीं है, है, है। चलो भैया कौन कौन है नॉन वेजिटेरियन बोलो मैम? सावन में तो हम नॉन वेज वाले भी वेजिटेरियन हो जाते हैं। अच्छी बात है यार, यदि तुम लोग सावन में नॉन वेज वाले भी वेजिटेरियन हो जाते तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कह रहा है धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो होता क्या है एक्चुअल में, कि जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रिया, देखो वो ये तो नियम है ना प्रकृति का, जो थोड़ा सा भी हावी है, थोड़ा सा भी शक्तिमान है, थोड़ा सा भी ताकत, वो अपने से बेचारे घर में बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों पे कैसे एकदम डोमिनेटिंग हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, है बिल्कुल थोड़ा भी कोई पावरफुल है। अच्छा दो भाई बहन की लड़ाई हो रही है, एक बड़ा हेल्दी सा, कितने मुक्के मारेगा वो उसको, सोचो जरा कितनी पिटाई होगी उसकी, ठीक है। मुझे अपने छोटी भाई की, छोटे भाई की याद आ रही है, मैं भी उसको बहुत पीटती थी, प्यार वाला, ऐसे कभी सीरियस वाला नहीं पीटती थी, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल वैसे ही अभिक्रियाशील धातुओं में क्या होता है, यदि कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु है अपने कम अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो वो उससे छीन लेती है ना। जैसे घर में मम्मी पापा आइसक्रीम लाए, एक छोटे भाई को दो मिल गई, अपन को एक मिल गई, तो अपन तो स्ट्रांग है भैया, कुटाई कर करके उससे एक तो छीन ही लेंगे, ठीक है। तो अब आयरन और कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है यहाँ पर, ठीक है। पहली बात तो आपको सारी धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर याद होना चाहिए कि सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो पोटेशियम है, देन सोडियम है, और सबसे कम क्रियाशील सोना है, इसीलिए तो इतना महंगा है। अभी थोड़ी दुनिया पीली धातु के पीछे भाग रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लीस्ट रिएक्टिविटी इन द एटमोसफेयर एज वेल एज ऑल सॉल्यूशंस, ठीक है। बेसिकली जल्दी रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए तो सोना पहन लिए तो पीले का पीला ही रहता है 8-10 साल बाद भी, है ना, हरा तो हो नहीं जाता। कॉपर पहनोगे तो क्या होगा बोलो मैम? ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कभी हरा हो जाएगा, कभी मैम थोड़ा अलग कलर हो जाएगा और डार्क ब्राउन हो जाएगा, कभी मतलब जंग खा जाएगा, ऐसा लगता है ना। तो इसीलिए इतना महंगा है बाबू। तो सबसे अधिक क्रियाशील जो है पोटेशियम है, देन सोडियम है, देन कैल्शियम है, देन मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, लेड है, कॉपर है, मरकुरी है, चांदी है और सोना है, ठीक है। तो इसको आप याद कैसे करोगे? इसकी जो शॉर्ट ट्रिक बनाई थी मैंने ऐसी बनाई है कि केएफसी में अपन क्या करते हैं, केएफसी वगैरह में खाते हो ना आप लोग, क्या खाते हैं, चिली चिकन, लॉलीपॉप चिकन, कुछ कुछ होता है ऐसा। मैं तो टोटली वेजिटेरियन हूं तो बस मैंने सुना है, ठीक है। तो केएफसी की जगह यहाँ पे याद करो केएनसी में आज, ए और जेड को आज, फिर पॉप कॉर्न हॉट आएगा। केएफसी की जगह बोलना केएनसी, केएनसी में आज, फिर पॉपकॉर्न हॉट आएगा, केएनसी में आज फिर से पॉपकॉर्न हॉट आएगा। चलो ठीक है, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका पेपर में क्वेश्चन भी बनेगा यदि आपने ये शॉर्ट ट्रिक से पूरी मेटल्स का रिएक्शन याद कर लिया तो। तो यहाँ पे प्रश्न है आपका जिंक के साथ साथ कॉपर सल्फेट का, ठीक है। जिंक कैन डिस्प्लेस, देखो सेम चीज है यहाँ पे मैम, जिंक कहाँ पे आ रहा है मैम? यहाँ पे आ रहा है। कॉपर सल्फेट कहाँ पे आ रहा है मैम? यहाँ पर आ रहा है। अधिक रिएक्टिव कौन है, जिंक है कि कॉपर है? ज्यादा प्रतिक्रियाशील या ज्यादा क्रियाशील जो है जिंक है मैम, उसके बाद कॉपर है। तो जब अधिक क्रियाशील है तो कॉपर सल्फेट के सल्फेट को खींच लेगी और बना लेगी जिंक सल्फेट। क्या बना लेगी? जिंक सल्फेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
तो मैम यहाँ पर जो होगा बिकॉज इट्स मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट इज ऑप्शन सी. मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर ये नहीं था कि आप जिंक और कॉपर को जानो, मेरा उद्देश्य है कि अगली बार पेपर में कुछ भी पूछे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, आपका मर्क्यूरी, इन सब में कंपैरिजन कर ले किसी का भी, आपको सबका जवाब पता होना चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वेरी वेरी गुड इवनिंग लक्ष्मण, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. चलिए, तो मुझे उम्मीद है अगली बार गलत नहीं करोगे, ठीक है. चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं. आधुनिक आवर्त सारणी में 19 से 36 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को किस आवर्त में रखा गया है? चलिए जवाब दीजिएगा भैया, फास्ट एंड फास्ट. अभी तक जवाब नहीं आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन बन नहीं रहा, हिल नहीं रहा. शेयर वेयर तो कर नहीं रहा ना तुम लोग, मत करो शेयर. फिर मैं जा रही हूँ छुट्टी पे, वैसे ही डॉक्टर बोला बेटा आराम करो, ठीक है. मैं बोली नहीं, मैं घर से तो पढ़ा सकती हूँ. नहीं नहीं, क्या जरूरत है चिल्लाने की. मैंने कहा नहीं नहीं पढ़ाऊंगी, अब मैं बताऊंगी कल डॉक्टर को, क्योंकि बच्चे आते रहिए लाइफ सर. ठीक है, आपकी बात ही मान लेती हूँ मैं, फॉलो कर लेती हूँ इसी बात. पानी भी अच्छा नहीं लग रहा है यार. 5, 3, 6, 4 सब जवाब दे दो यार. बी सी डी आ गए जवाब, तीन जवाब आए हैं, बी सी डी, ठीक है. बी सी डी जवाब आ चुका है, ए बस नहीं बचा. ए बचा है क्या? ए भी दे दो कोई. देखो परमाणु, देखो कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में 19 से लेकर 36 तक का परमाणु क्रमांक किस आवर्त में रखा गया है, यानी बात हो रही है रो की, बात हो रही है रो की. किसकी? ये मैं कोई रैप नहीं कर रही हूँ हनी सिंह जी का, ठीक है, हनी सिंह जी का. ओ माय गॉड, हनी सिंह सुन लेगा तो पागल हो जाएगा, इतनी इज्जत भाई. सॉरी. ठीक है, तो ना मैं पूछूं, बताइए रो मींस आपके हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जितनी भी लाइंस है मैम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है. तो यहाँ पे जो है 19 से 36 तक परमाणु क्रमांक, पूरी पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखो, सारा कुछ याद होना चाहिए. पहला आवर्त कहता है 1 और 2 है मैम, फिर ये दूसरा आवर्त, तीसरा है मैम, चौथा है मैम. चौथे में ही हमको मिल गया कि 19 से लेकर के मैम जा रहा है क्रिप्टॉन तक, 36 तक, ठीक है, 36 तक. तो मैम यदि हमसे पूछा जाए 19 से लेकर 36 तक परमाणु क्रमांक वाला, वैसे भी बच्चा इतना खींच दिया था तो थोड़ा दिमाग लगाते यार, पहले दूसरे तीसरे आवर्त में तो इतने तत्व तो है नहीं, चौथे में ही होंगे, क्योंकि 19 बहुत नीचे भी नहीं जा सकता, तो कॉमन सेंस भी लगा सकता है इंसान, है ना, थोड़ा सा इसको यूज किया जा सकता है ना, थोड़ा सा इसका उपयोग किया जाएगा. फिर देखो 7 तो आवर्त है ले दे करके, ठीक है. तो मैम फिर है 37, फिर है 55, फिर है 87. चलिए तो यहाँ पे हम जाएंगे मैम 4 के साथ. डी ऑप्शन वाले कौन कौन से बच्चे थे उनका जवाब सही है, ठीक है. किस आवर्त में रखा गया है मैम? तो चौथे आवर्त में रखा गया है. चौथे आवर्त वाले हैं थनेश्वरी, स्वर्णा, दीक्षा, दिव्या, लक्ष्मण और लखन भी है, ठीक है. चलो डी ऑप्शन वाले, ठीक है बच्चे, बढ़िया है. चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है. चलो अगला प्रश्न क्या कहता है? व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन के शेल. जब आसान प्रश्न आता है तो मुझे ऐसे ड्रामेटिक रूप से पढ़ना ही पसंद आता है, क्योंकि यदि टफ क्वेश्चन आएगा तो फिर मजा आता है. अब ये पता है तुम लोग बता ही दोगे. चलो ये क्वेश्चन में मैंने कराया है और मुझे पता है. देखो जो हमारा 2D का, मैं सब मुंह से बता रही, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर रखा है. जो 2D कॉन्फ़िगरेशन होता है मैम, उसका फॉर्मूला होता है 2n2. 2n2 के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल होता है. n इज इक्वल टू हम यदि 1 रखेंगे तो पहली शेल, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे दूसरी शेल, n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो उसका नाम हम k सेल रखते हैं, फिर हम आता है al आता है, m आता है, n आता है, इस तरीके से चलते जाते हैं. KLMN में पहली कक्षा जो है वो k, जहां पर कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n2, n बराबर 1 रखो 2 आ जाएगा, ठीक है. जैसे ही 2 आया तो हम 2 टिक करेंगे ऑप्शन सी के साथ और आगे बढ़ जाएंगे. सी, ठीक है, ये सी है, ठीक है बच्चा. चलो सबका जवाब सही है.
अगला प्रश्न वो भी आसान है, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ सॉलिड मैट्रिक्स विच इज मेड अप ऑफ। अभी हार्ड वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चा, ठीक है, हार्ड वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, सब इंतजार करना। नहीं यार सब सही तो है यार, जियो और जीने दो यार, मतलब अच्छी खासी आवाज तो आ रही है, हैं? चलिए ठीक है, सबका जवाब सही है। देखो अभी तक तो आप लोग यूज टू हो चुके हो ना कि मैम कैल्शियम और फास्फेट आयन से ही हड्डी हमारी मिलकर के बनी है, ठीक है, इसी की कमी चल रही है बेटा मेरे अंदर, ठीक है, इसी की, विटामिन डी की। तो मैं क्या करूं, मैं वेजिटेरियन हूं तो क्या मैं फिश खाऊं, क्या मैं कॉड लीवर ऑयल खाऊं, नहीं खा सकती भैया। तो कैसे हो मैम, क्या आप मर जाओगे, सॉरी मतलब ऐसा हो जाएगा क्या, आप फिश नहीं खा सकते, नहीं यार स्टफ। चलिए तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन जो होता है ये होता है बेसिकली सॉलिड मैट्रिक्स में। देखो होता क्या है कि जो हमारी बोन्स है ना वो मैट्रिक्स एंड सेल्स के फॉर्म में बनी हुई है ना, जो आपका मैट्रिक्स है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बना होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक में डिफरेंट कोलेजन्स वगैरह होते हैं जबकि प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, नॉन कोलेजन प्रोटीन, जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है मैम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है, ठीक है। थैंक यू सतीश, थैंक यू डियर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट देन द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर टू एलिमेंट, दिस लॉ इज नोन एज बेसिकली व्हाट, क्या कहलाता है, चलो बताओ। सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अद्वैत एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां पर देखेंगे कुछ नया सा, क्या देखेंगे बच्चों, कुछ नया सा, तीन कोर्सेस, ठीक है। चलिए हालांकि अब तो सारे बच्चे हमारे जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। मैं याद ही कर रही थी, श्रद्धा खाना खाने चली गई क्या, चलो भैया सबका जवाब सही है, लेकिन लक्ष्मण किसका गलत है, लीना मैम आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, रविशंकर तुम्हारा भी नहीं, नहीं सही है सही है, बाकी लोग का गलत है क्या, ये ए ऑप्शन वाला कौन है भैया, ए ऑप्शन नहीं होगा। देखो भैया अभी तो पीरियोडिक टेबल चल ही रहा था, बस उसका मुहूर्त नहीं बन पा रहा है डेली मैम के साथ, मत ही पूछो है ना, कभी ऑफलाइन मिलेंगे ना तो अपन इस पर चर्चा करेंगे, ऑफलाइन मिलेंगे तब चर्चा, अभी तो बहुत सारे सरप्राइजेस आने बाकी हैं भैया अद्वैत एजुकेशन की तरफ से, जब कोई भिलाई आओगे ना आप, फिर मुलाकात होगी ऑफलाइन, फिर मजा आएगा, फिर मैम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं कह रही थी कि मैं अभी ये तो होने वाला है आपका, ठीक है, आज नहीं तो कल तो अभी चलेगा पीरियोडिक टेबल में, जब भी आवर्त सारणी की बात हो तो सबसे पहली बार यदि किसी साइंटिस्ट ने प्रयास किया आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए तो वो थे हमारे डोबे नायर साइंटिस्ट जी, जिन्होंने अपना त्रिक नियम दिया था, डोबे नायर्स लॉ ऑफ ट्रायड है ना, इन्होंने अपना डोबे नायर ने त्रिक सिद्धांत दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर आए इनके जस्ट बाद वाले न्यूलैंड, न्यूलैंड ने अपना अष्टक का सिद्धांत दिया। इसके बाद आए हमारे मेंडलीव जी, न्यूटन का कोई लेना देना नहीं था पीरियोडिक टेबल से, न्यूटन फिजिक्स के लिए काफी सिलेबस बढ़ा चुके थे ऑलरेडी, तो उन्होंने सोचा बच्चों को बख्श देते हैं वरना बच्चे तो मेरी जान ही ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चों, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स लॉ, मेंडलीव के नियम के अनुसार जो है बच्चों वो इन्होंने दिया, फिर इसका ही मॉडिफाई करके आपकी आधुनिक आवर्त सारणी बनी, जो कि आप सभी को पता है, मैं ज्यादा टाइम लेते हुए नहीं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। चलिए तो जो त्रिक सिद्धांत था वो इन्होंने कहा कि भैया जो पहला तीसरा है ना इसका एवरेज निकालो तो बीच वाला आ रहा है, इनको तो जादू लग गया, ऐसा जादू लग गया, लेकिन ये नियम बिल्कुल चला नहीं और फेल हो गया, आपको भी पता है। चलिए यहाँ पर आपको औसत चाल बतानी है, जल्दी से बताइएगा। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फर्स्ट 25 मीटर इन 4 सेकेंड, देन नेक्स्ट 15 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, चलो जल्दी बताओ, ठीक है जल्दी बताओ, फास्ट लाइक और शेयर भी करना है भैया,
चलिए निकालिएगा, जिनको नहीं आता है उनको बताती हूँ, ठीक है, उनके लिए मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। देखो पहला दिया गया है यहाँ पर, एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मिनट और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर चलती है, तो जो औसत चाल बराबर होता है ना वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है, आपके मैथ्स वाले संदीप सर ने आपको पढ़ाया होगा यार, ठीक है। तो मैम कुल दूरी कितनी है यहाँ पे, 25, अगली है 15, भाग किया समय कितना है मैम, पहले में 4 दूसरे में 2, 40/6, 6 × 36, 6.67, और चाल का होता है मैम मीटर पर सेकंड, एकदम आसान, बिल्कुल बिल्कुल अद्रिज, एब्सोल्युटली। तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का फर्क है, वैल्यू तो वैसे भी सब जगह सेम है, तो यदि आप आंसर ना भी निकालते तो भी आप इसका जवाब दे सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि इसकी यूनिट जो है मैम मीटर पर सेकेंड है, और मीटर पर सेकेंड जो है मैम 6.67 तो सब में कॉमन ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ह्यूमन नॉर्मली हैव ब्लैंक नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोसोम, बहुत अच्छा क्वेश्चन। श्रद्धा मेरी श्रद्धा, चलो सबका जवाब सही आया है लगभग, एक आध लोग का गड़बड़ है, कोई बात नहीं। देखो बच्चों ये याद रखना कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना इसमें कुल कोई बात नहीं, सॉरी की कोई नीड नहीं है डियर, बिल्कुल नहीं, ठीक है, अब रहा नहीं जाता इसलिए बस बोल देते सॉरी, बिल्कुल उसकी कोई नीड नहीं है। बट यहाँ पे कहाँ पे थे हम, माउस को ढूंढो यहाँ, मनुष्य में जो है कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, 23 जोड़े, या मैं कहूँ 23 pairs, ठीक है। इस 23 pairs में क्या होता है मैम, जो 22 जोड़े होते हैं, 22 pairs होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है, और सिर्फ एक जोड़ा होता है जो अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है कि ह्यूमन नॉर्मली हैव ब्लैंक नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोसोम, ऑटोसोम क्या कहलाते हैं, ऐसे गुणसूत्र जिनमें जो है आपका सेम हो, ठीक है, दे ऑल नोन एज दी ऑटोसोम, ये क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं, ठीक है। तो मैम जो सेम है वो कितने हैं बच्चा, वो है मैम 22 × 44, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक ही पेयर होता है जो अलग होता है, मैं बता दूं, और लड़कियों में वो भी सेम होता है, एक्सेस लड़के के पास होता है XY, यानी कि लड़का होगा या लड़की, ये कभी भी लड़की पर डिपेंडेंट नहीं करता, डिपेंड नहीं करता है अकॉर्डिंग टू साइंस। नॉर्मली गांव में ऐसा सोचते हैं लड़की हुई है इसको या ऐसा, अब तो हालांकि काफी कम हो चुका है, बट कभी भी लड़की रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा मेल कैंडिडेट होता है, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट वाला भगवान जी ने किसे दे रखा है, डिफरेंट वाला जो और आपका कहना चाहिए क्रोमोसोम है वो है मेल के पास, ठीक है। सो मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल और बॉय, लड़का होगा या लड़की ये कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड हालांकि इंसान भी नहीं कर पाता, उसके हाथ में भी नहीं है, बट गर्ल की कहीं से कहीं तक ले देकर कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो कभी कोई बोले तो उसे दादी को अपनी साइंस सिखाना, ठीक है, साइंस बताना। अगला प्रश्न है, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, स्ट्रेस किस पर डिपेंड करता है, चलो जल्दी से जवाब दो, जल्दी से फास्ट एंड फास्ट जवाब देंगे, ठीक है। अभी हार्ड वाले प्रश्न आने अब चालू होंगे, ठीक है, हार्ड तो नहीं है बट अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक बात पता है क्या तुम लोगों को, चाहे मैं स्ट्रेस बोलूं बाबू, ठीक है, कोई स्ट्रेस अपने अपने दिमागी स्ट्रेस की बात तो नहीं करने लग गया ना बेटा, मैम बहुत स्ट्रेस है, मैम भयानक स्ट्रेस है, जिस पर डिपेंड कर रहा है वो तो मैम दिख ही नहीं रही है इस ऑप्शन में, है ना। लड़के ऐसा बोलेंगे, लड़के बोलेंगे मैम वो भी नहीं दिख रहा है इस ऑप्शन में, एक्चुअल स्ट्रेस जहां डिपेंड कर रहा है है कि नहीं, ऐसा ही लग रहा होगा अभी तो, जो यदि ऐसा सोच रहे होंगे ना उनके लिए गलत है, ठीक है भैया,
क्योंकि ऐसा नहीं है बाबू, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेस एक्चुअल में आपका जैसा प्रेशर होता है ना, दाब, वही होता है स्ट्रेस। और दाब बराबर होता है मैम बल बटा क्षेत्रफल, तो स्ट्रेस बराबर भी होगा, स्ट्रेस बराबर भी क्या होगा बाबू मैम, स्ट्रेस बराबर भी होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चा। तो मैम जो स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स तो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो कोई वाला होगा फोर्स जो दिखा नहीं, यहाँ पर एरिया दिख रहा है मैम, सो एरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है बच्चा, बोला मैम आपने इतना अच्छा जोक मारा कि कसम से मुझे मतलब खुशी हो गई, है ना, एकदम मैम दिल की बात छीन ली आप, ऐसा ही लगा क्या, किसके किसके दिल की बात बाहर आ गई बताओ जरा। क्या बात है राहुल, थैंक यू यार, थैंक यू। स्ट्रेस भगाना है तो दीपाली मैम के लेक्चर देखें, ऐसा है क्या, चलो यार अब बिल्कुल। अब देखो यदि मैं यहाँ पे श्रद्धा या मैं क्वेश्चन करूँ किसी भी बच्चे से कि मुझे स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो गाइस यू ऑल नो दैट आप तुरंत जवाब दे देंगे कमेंट सेक्शन में, लाइन से सबका जवाब आना चाहिए, जल्दी बता दो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, जल्दी बताओ जल्दी से। वेट का स्ट्रेस है, ओ माई गॉड जुकू, मुझसे उधारी ले लो, तुम्हें मोटा होना है ना, मुझसे उधारी ले लो, मुझे पतला होना, ठीक है। हालांकि अभी मेरी तबीयत जब से गड़बड़ हुई तो 4 to 5 kg कम हो गया है, बट लेट्स सी, आइए हम भी सॉल्व करें और देखें कौन सही निकाला है कौन गलत निकाला है। चलिए शुरू करते हैं। बल बराबर होता है मैम द्रव्यमान गुणा त्वरण, एरिया बराबर एल स्क्वायर मैम, ले चलते हैं ऊपर, एम हो जाएगा एल की पावर माइनस वन डी की पावर माइनस टू। श्रद्धा, मेरी श्रद्धा, हाँ 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 ठीक, लिख दिया दिव्या ने भी यार, बहुत बढ़िया, सही है तिवारी जी, एक नंबर, बहुत बढ़िया, चलो एकदम सही, आगे बढ़े फिर एकदम सही जवाब के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये तो पता चल गया बच्चों को, आहा मुंह वाला क्वेश्चन, जल्दी से बता दो एकदम फास्ट एंड फास्ट बता दो, ठीक है जल्दी से मुझे जवाब चाहिए। ये जो लोग साथ में लिखे है ना बी वॉट, ये बढ़िया है ना ये अच्छा लगा, ठीक है चलिए। वैसे भी एकदम आसान क्वेश्चन है, समय ना लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वॉट, ठीक है, विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है। यहाँ पर जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है ये किसका है बताओ, किलो वॉट आर इज द यूनिट ऑफ वॉट, जल्दी बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, किलो वॉट आर इज द यूनिट ऑफ वॉट, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है बच्चों, ठीक है जल्दी से बता दो। तो मैम जल्दी से एक भी तो लिख दो, तो एक भी तो लिखो, चलो भाई बिल्कुल आगे बढ़ जाए हम, ठीक है तो मैम जो किलोवाट है आर जो यूनिट है ये सबको पता है एनर्जी यानी ऊर्जा का है, ठीक है एनर्जी या मैं कहूं ऊर्जा का है, ठीक है चलो अगला प्रश्न। ईका सिलिकॉन के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है ईका सिलिकॉन के नाम से कौन जाना जाता है, जल्दी बताएंगे सभी लोग, चलो जल्दी बताओ सभी लोग फास्ट एंड फास्ट एकदम। लेट्स सी कितने बच्चों का जवाब सही आया है, ठीक है भैया सब कहाँ गायब हो गए,
मैम श्रद्धा ने सबसे पहले जवाब दिया है, फिर अद्रिजा ने दिया है, फिर रवि ने दिया है, लीना ने, लखन ने, दिव्या ने। आहा हा, क्या बात है, ऐसा जवाब आएगा तो दिल खुश हो जाएगा यार। ठीक है, ई का सिलिकॉन किसके नाम से जाना जाता है, यहाँ पर है तो सब याद कर लो। ठीक है, मेंडलीव जी ने ना आपका काम बढ़ा के चले गए थे। ठीक है, ये मेंडलीव जी के पास एक तो इन्होंने ढूंढा नहीं अपनी कमी कि एक आवत सारणी में, हालांकि सब कुछ बना दिए थे, फादर भी कहला गए, ये नाम अलग दे गए। ई का एल्यूमिनियम क्या कहलाता है, गैलियम कहलाता है। ई का बोरान, स्कैंडियम। ई का सिलिकॉन, जर्मेनियम। ई का मैग्नीज, टेक्नीशियम। ट्राई मैग्नीज, बेहेमियम। ठीक है, डेबी टेल्यूरियम, पोलोनियम। डेबी कैसियम, फ्रांसियम। ठीक है भैया, देख सकते हो खतरनाक नाम। तो हमारा जो सवाल है एकदम आसान वाला है, सिलिकॉन जर्मेनियम। ऐसे याद रखो, सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों ही आपके क्या है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट। तो ई का सिलिकॉन जो हो जाएगा मैम वो जर्मेनियम हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन बाकी के लिए आपको लिखना होगा, ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं बाकी नाम भी याद रखना। ई का बोरान पूछा अगली बार तो ये नहीं कि शॉर्ट लगा 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 टाइप हो जाए। चलो भैया, फुलरेन हैज हाउ मैनी कार्बन एटम्स, ठीक है चलो बताओ, फुलरेन हैज हाउ मैनी कार्बन एटम्स, जल्दी से बताएंगे। और ये क्वेश्चन ना मैंने ना जाने कितने बार कराया है, पता है ना जाने कितने बार कराया क्वेश्चन। लखन तुमने भी लाइव ऐप कोर्स लिया है क्या, तुमने भी कोई लाइव ऐप कोर्स लिया है क्या, क्योंकि तुम मुझे ऐप में दिखे फॉलो करते हुए। हाँ तो मुझे लगा कि लिए हो क्या। वो एक्चुअली क्या है, हमारे रिस्पेक्टेड सीएओ सर के भी वीडियोस आ गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, गेट एकेडमी मेन चैनल पर। ठीक है, हाँ पता था हमको, शॉर्टकट मार लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लियो लेकिन बाद में लिख लेना। ठीक है, दिव्या का जवाब भी है, लीना का भी है, श्रद्धा का जी है। हाँ बहुत बढ़िया लखन, हॉस्टल वार्डन का लियो बच्चा, तो अपन वहाँ थ्योरी पढ़ेंगे एकदम झमाझम तरीके से थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे मुझे पता चला है कि मैक्सिमम हॉस्टल वार्डन वालों का जो डिमांड है वो है कि मैम हिंदी में पढ़ाएं, तो हिंदी में मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और हॉस्टल वार्डन के अलावा भी अभी बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए कोर्सेस जो हैं लाइन में लगे हुए हैं, तो हॉस्टल वार्डन में लखन मिलेंगे अपन जल्दी। ठीक है, ये सब मैं वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। ये मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड वाला चैप्टर बहुत बड़ा है और उसमें आपको देखो कि इतने क्वेश्चन मिलेंगे ना कि लिटरली मजा आ जाएगा। फुलरेन को हम, पता है आपको क्या, जो कार्बन होता है हम ना हम बस नॉर्मल पढ़ लेते हैं कि कार्बन के तीन अपर रूप हैं, क्या क्या अपर रूप हैं, डायमंड है, हीरा है, ग्रेफाइट है, बस हीरा ग्रेफाइट रख के काम चल दिए। नहीं भैया, आजकल क्वेश्चन बनता है ग्रेफीन एंड फुलरेन से, आजकल क्वेश्चन बनता है ग्रेफीन एंड फुलरेन से। कार्बन के एलोट्रोप या हम कहें कार्बन के अपर रूप में फुलरेन एंड ग्रेफीन आता है। ग्रेफीन से क्वेश्चन आपके संपरीक्षक में भी बना था, ठीक है, जो मेरे नोट से सीधा पॉइंट आया हुआ था वहां पर। ठीक है, फुलरेन जो है कार्बन का 60, यदि हम 60 आपके एटम्स मिलाएंगे कार्बन के और सॉसर बॉल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है वो फुलरेन होता है। ठीक है, और जो ग्रेफीन होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफीन का यूज हम करते हैं LCD व LED के टच पैनल में करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया लखन। ठीक है, यस, सॉसर लाइक स्ट्रक्चर। और इसे हम फुलरेन को हम बकमिंस्टर फुलरेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बकमिंस्टर फुलरेन, क्योंकि इन्हीं साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकती है इन चारों में से क्या होगी। चलो बताओ जल्दी से, कॉमन सेंस के साथ जवाब देना ना, ऐसा नहीं कि बिना कॉमन सेंस का जवाब दिया आपने। ठीक है, ऐसा मत करना बाबू, ठीक है, ऐसा मत करना। बहुत बढ़िया, अरे धीरे धीरे तुम लोग iPhone 13 बन जाओगे, है ना। नहीं मैम, जब आप बच्चे क्वेश्चन लाती हैं फिर हम भूल जाते हैं, और मैम बायोलॉजी भूल जाती है, कोई बात नहीं, उसमें भी हो जाओगे, iPhone 14 हो जाओगे, चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन प्रोड्यूसेस व्हाइट ऐश व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म व्हाट।
अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब देकर बताओ तो जाने, अब ये करके बताओ जरा तो पता चले मुझे। नोकिया वाली हालत अब तो नहीं बची है, मुझे लगता है जुफू है ना, नोकिया से तुम लोग थोड़े सैमसंग तक तो पहुंच ही चुके हो, बेस मॉडल तक है ना, सैमसंग के बेस मॉडल तक। अभी भी गलत जवाब आया है, अभी भी गलत दे रहे हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट हो, चलिए कुछ ही लोगों का सही है, कुछ लोगों का गड़बड़ है। देखो यार कॉमन सेंस की बात है कि मैग्नीशियम रिबन हो चाहे कुछ हो, है ना भाई, गरम करोगे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करवाओगे, जलाना का मतलब है ऑक्सीजन, तो मैम क्या बनेगा, MgO बन जाएगा। इस MgO का यदि मैं पानी से अभिक्रिया, इसने कहा कि जो भी बन रहा है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना, जो कि आपका ऑप्शन बी था, ये व्हाइट ऐश है ना, सफेद राख। अब इस MgO को मैं, MgO को जैसे ही मैं पानी से अभिक्रिया करवाती हूँ, तो आपका बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच इज ऑप्शन सी। देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा था, क्यों था, क्योंकि या इसने आपको फंसाया। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके या प्रश्न को पूरा ना पढ़ करके सीधा ऑप्शन बी टिक मार दिए और आगे बढ़ गए, है ना, आगे बढ़ गए। बट क्या ये उचित था, नहीं भैया, उसको पानी में भी तो घोलो, कह रहा है ना विच इज डिसॉल्व, पानी में घोला जा रहा है, पूरा तो पढ़ो, पूरा तो सुनो, रुको जरा सबर करो, वैसा वाला हाल हो गया, ठीक है। चलो इसमें मैं नोकिया नहीं बनाऊंगी, अरे ये गायब हो गया यार, जो मैंने लिखा हो तो दिखा ही नहीं, यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। अब ये जो MgO बना ना बच्चा, MgO, इसको पानी में घोलो जरा, तो मैम क्या बन जाएगा, MgOH2। जिस दिन आप एक क्वेश्चन लिख के बेहिजक क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, समझ जाना कि आप थोड़े थोड़े से कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ठीक है। चलिए रेक्टिफायर का यूज हम किस चीज में करते हैं, जल्दी से बता दो, एकदम आसान क्वेश्चन। नहीं नहीं नोकिया नहीं हो, नोकिया अभी सैमसंग तक हो, सैमसंग तक, ठीक है, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लीना ने भी दिया, दिव्या ने भी दिया, सबने दे दिया, ठीक है। हाँ हाँ इंजीनियरों से तो उम्मीद ही है कि दोगे सही, बाकी जो नॉन इंजीनियर है वो भी सही दे दें, ये इम्पोर्टेंट है ना। रेक्टिफायर के टाइप्स भी अभी श्रद्धा लिखने लग जाएगी, ठीक है, हाफ वे फुल वे। तो जो रेक्टिफायर्स होते हैं वो AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, सबको पता। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टेड बाई रिकेट्स। मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आप सभी से, ठीक है, देखो बच्चों ऐसा है, रिकेट्स यदि बच्चों में होता है तो हम उसे रिकेट्स कहते हैं, लेकिन यही बीमारी यदि एडल्ट में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, चलो बता दो सर, यदि इतना ही जानते हो तो ये भी बताओ, ये मैंने अपने नोट्स में पढ़ाया है, ठीक है, चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ, है ना, उसे हम क्या कहते हैं। अरे वाह श्रद्धा, वाह, अब ये वाला नहीं कर सकते ना, मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं, पब्लिक पब्लिक प्लेटफॉर्म में ना, अपन ये वाला कर सकते हैं, वाह अमन सर टाइप, ठीक है, हाँ थोड़ा थोड़ा पहुंच गए हो, नहीं ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं उसे हम, ऑस्टियोपोरोसिस जब वो बच्चों में होता है तो उसे हम रिकेट्स कहते हैं, और जब ये एडल्ट में होता है तो उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है, हड्डी से संबंधित बीमारी है, हड्डियां जब बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, मुड़ने लग जाती हैं, तो उसे हम रिकेट्स कहते हैं, और यदि बच्चों में होगी तो थैंक यू श्रद्धा, बच्चों में होगी तो उसे हम रिकेट्स कहेंगे, और यदि वो एडल्ट में होगी तो उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे, ठीक है। चलो द सब्सटेंस यूज टू टेस्ट द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन आर नोन एज, ठीक है। चलो अद्रिजा गुप्ता, अद्रिजा तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है यार, अद्रिजा की मीनिंग क्या होती है बताओ जरा, ठीक है
ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिए सबको पता है, एकदम एक दिन करा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है, इंडिकेटर होगा, फिर भी कुछ लोग गलत किए थे उस दिन पर आज नहीं करेंगे, हिंदी में हम कहते हैं सूचक, ठीक है, इंडिकेटर से यानी सूचक, ठीक है। चलिए, अरे वाह यार इतना प्यारा नाम, अद्रिजा मतलब पार्वती होता है, सो नाइस, बहुत बढ़िया यार, पार्वती शिव, वाह क्या बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है, अद्रिजा, सो नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिकेटर्स। हाँ, महादेव की पार्वती, अभी तो सावन चल रहा है ना, वैसे भी तो यार किसी दिन कोई शिव नाम से बस ज्वाइन ना कर ले, देखना बड़े चंट बच्चा, अभी कल से ना अपना नाम बदल के आ जाएंगे, है ना, पता चला शिव करके आ गए। देखो इंडिकेटर जो है ना बहुत सारे होते हैं बेटा, है ना, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ ऑल्फैक्ट्री होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक है, ऑल्फैक्ट्री मतलब जो सूंघ करके बताया जा सकता है, और सिंथेटिक मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। ये देखो देख रही हो सुफू, है देख रहे हो सब लोग, है देख रहे हो, आ ही गए हैं, नहीं भैया रवि जुड़ा है, ये गलत है, रवि हो गया ये गलत है, रवि नहीं होता तब हम मानते, शंकर तिवारी होता तब हम मानते, ठीक है, हमारे हमारे सेशन में शिव पार्वती दोनों विराजमान है, हम ऐसा मान लेते, ठीक है, लेकिन अभी हम नहीं मानेंगे, ठीक है। पच्चली कल रवि ने अपना रवि गायब कर दिया, शंकर से सब ज्वाइन कर दिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जो है रेड लिटमस पेपर, सबको पता है लिटमस पेपर मैम इंडिकेटर होता है, ठीक है, अरे यार सबको पता है ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है, ठीक है, तो टर्मरिक हल्दी जो है ये आपकी नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है ठीक है। हल्दी जो है यहाँ पे जो है हल्दी जो है ये नेचुरल इंडिकेटर होती है, नॉर्मली येलो होती है, पर आपने देखा है जब आप निरमा से, आपके हाथों में हल्दी लगी हो, ठीक है, जल्दी आप सभी के हाथों में हल्दी लगेगी, चेहरे पे हल्दी लगेगी, सब जगह हल्दी लगेगी, ठीक है, जल्दी पहले पेपर निकाल लोगे उसके बाद ही लगवाएंगे घर वाले, वरना पीट पीट के दूसरी वाली हल्दी लगवानी पड़ेगी, ठीक है, चोट वाली हल्दी, तो जब अच्छी वाली हल्दी लगेगी, इज्जत के साथ हल्दी लगाई जाएगी, तो बेसिकली आप देखना कि यदि आप उसको निरमा से ऐसे ऐसे करके धोगे ना तो वो रेडिश हो जाता है, ठीक है, तो निरमा या जो आपका वॉशिंग पाउडर है वो क्या है मैम, ये क्षार है बेसिकली, है ना, तो हमें पता चल गया कि नेचुरल इंडिकेटर भी जो है कलर चेंज करके बताते हैं, यदि एसिड से करोगे तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिनोफ्थलिन जो है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, जो कि कलरलेस होता है बेसिकली, यदि उसमें आपने एसिड डाला तो वो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन यदि उसमें आपने क्षार डाला है तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। मेथिल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, बट एसिड डालोगे तो लाल होगा, क्षार डालोगे तो पीला होगा, ठीक है। चलिए, वो तुम मुझे वो खून दोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा टाइप फीलिंग आ रहा है मुझे इसको बताने में। अनियन जो है ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर का एग्जांपल होता है, क्योंकि सूंघ करके आप पता लगा सकते हैं, यदि अनियन को जब आप काटते तो बहुत तेजी से स्मेल आती है, और अनियन को जब आप सूंघते हैं ना ऐसे ऐसे करके तो एकदम खतरनाक स्मेल, काटते तक में तो हालत खराब हो जाती है, तो यदि उसमें आपने एसिड डाला है तो कोई भी स्मेल चेंज नहीं होगी, वो वैसे ही उतनी तेज स्मेल आती रहेगी, ठीक है, लेकिन यदि उसमें आपने क्षार डाला है तो उसकी स्मेल पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और वनीला से तो सब कोई वाकिफ है, अभी पूरी गर्मी बीती है वनीला आइसक्रीम खा के, ठीक है, तो मैम इसमें भी एसिड डालने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने क्षार डाला तो इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, और हमें पता चल जाएगा कि हमने जो डाला वो क्षार था। इस तरीके के तीन तरह के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पहले ये है, बता दो जल्दी से, ट्रांसफॉर्मर किस चीज के लिए यूज होता है। चलो मजा आ गया ना, ठीक है यार, कल से बढ़िया है, भोलेनाथ के और भोलेनाथ और पार्वती मैया के आशीर्वाद से ही अपन क्लास स्टार्ट किया करेंगे, ठीक है, कल से अद्रिजा और रवि सबसे पहले जुड़ जाना, ठीक है, और भगवान से बोलना आज, भगवान तो तुम ही लोग हो ना, बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैम, तथास्तु, कल से कोई सेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ गायब वायब नहीं होगा, ठीक है, टाइम से स्टार्ट हो जाएगा सब। ठीक है, चलिए अब मैंने तुम लोगों का नाम रख दिया अद्वैत के शिव पार्वती, ठीक है। चलो एकदम आसान क्वेश्चन है, हम सबको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है बेसिकली, ये क्या करता है, ये ना आपका
सबको पता है कि मैम एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। यानी कि मैम इसमें क्या होता है कि हमारा उद्देश्य है कि कॉन्स्टेंट पावर हो और हमारा जो है कि हम वोल्टेज को बढ़ा सकें। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भोलेनाथ जी ये बिल्कुल सही पॉइंट कहा है आपने, ठीक है। तो एसी वोल्ट तक बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर को घटाने के लिए भी करते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों काम करते हैं हम ट्रांसफार्मर के थ्रू। बाकी जो तीन काम है ये हम बिल्कुल नहीं करते। डीसी का तो नाम मत लेना ट्रांसफार्मर के सामने, नाराज हो जाएगा वो तुमसे और तुमसे ब्रेकअप कर लेगा, बता रही हूँ। नाम ही मत लेना, ब्लॉक मार देगा तुमको सीधे, जैसे व्हाट्सएप में ब्लॉक होता है, ठीक है। वैसे ना जैसे आप ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई दोगे तो ब्लॉक हो जाएगा, उसका म्यूचुअल इंडक्शन काम नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। वैसे चलिए, अच्छा ऐसा है क्या, चलो बढ़िया है यार, ठीक है। आज बताना कि मैम ने नाम रखा है हम लोग का, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, चलिए बताइए। थैंक यू आरपी, थैंक यू डियर। देखो कल तुमने प्रार्थना करी इसीलिए मैम आज क्लास ले पाई, नहीं तो कल जल्दी छोड़नी पड़ गई थी, है ना। कल हालत एकदम खराब हो गई थी मेरी। अरे वाह 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 वाह, नाम याद है सबको एकदम सही। जेम्स चैडविक इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है सबका जवाब। थानेश्वरी ने भी सही जवाब दे दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा है जो विभाज्य नहीं, डिविजिबल नहीं, किसी ने बी दिया है, किसी ने ए दिया, किसी ने बी दिया है, किसी ने ए दिया है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। आरआरबी का क्वेश्चन है 2005 का, ठीक है। चलो भैया, पर देखो जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम नहीं तोड़ सकते ना, है ना, कितना ही तोड़ोगे, परमाणु को तो तोड़ दिया है ना आपने, ठीक है। तो सबसे जो छोटी इकाई है उसको हम नहीं तोड़ सकते। अब मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन को तोड़ के बताओ जरा, प्रोटॉन को तोड़ के बताओ जरा, न्यूट्रॉन को तोड़ के बताओ जरा, वो आपको तोड़ के रख देंगे, लेकिन आप नहीं तोड़ पा रहे उनको भैया, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं तोड़ पाए, ठीक है। परमाणु के साथ आगे बढ़ जाते हैं, एकदम सही है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, और बीपीएससी ने पूछा है ऐसा प्रश्न, ठीक है। चलिए जल्दी से जवाब देंगे, भौतिक परिवर्तन। अभी मैं आपको आज थोड़ा सा समझाऊंगी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, किस तरीके के होते हैं, ठीक है। चलिए ना 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 नारे 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 गलत बात। देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, थोड़ा सुनना, ठीक है ना। यदि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं बच्चों, ठीक है, यदि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं यानी कि वहां पर आपको कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, नया प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। यदि आपको नया प्रोडक्ट मिल रहा है तो वहां पे केमिकल चेंज हुआ है, और यदि नया प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है मैम तो हमें कहेंगे वहां पर नया प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि आपको वहां पे न्यू प्रोडक्ट मिलता है। फिजिकल में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा, मैंने बॉटल लिया, ठीक है, इस बॉटल को यहाँ से काटी, यहाँ से काटी, यहाँ से काटी, भैया बेचारा पहले इतना लंबा था, मैंने इसकी फिजिकल अपीयरेंस ही बदल दी। यानी कि फिजिकली जब कोई चीज बदल जाए, ठीक है, तो वो फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। और यदि मैम कहना चाहिए जब केमिकल चेंज वो है तब, जैसे आपने किसी चीज को जलाया और वो राख बन गई, है ना, तो यार वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन आई तब जाके आग लगी, है ना, और नया प्रोडक्ट बन गया, बना कि नहीं बना। और नींबू को आपने काटा सपोज करो चार भागों में, फिर से जोड़ दो, फिर से वो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वहां पे जो है आपका नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो, दूध से दही बनेगा तो भी मैम केमिकल चेंजेस है, मोमबत्ती का जलेगा मैम तो भी आपका कहना चाहिए ये भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना, जलना बोल रहा है ना, इसलिए वो केमिकल है, क्योंकि कोई चीज जल रही है ना, इट मीन्स वहां पर कंबशन हो रहा है, एब्सोल्युटली, है ना।
दोबारा आप उसको उस रूप में नहीं ढाल सकते, तो वो आपका केमिकल चेंजेस होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ध्यान से देखना, पानी में यदि आपने चीनी घोल दिया, ठीक है, मैंने कहा आप चीनी को पानी से अलग करके बताओ तो क्या करोगे, है ना। पानी में चीनी आपने घोल दी, मैंने कहा चीनी को पानी से अलग करके बताओ तो क्या करोगे, जल्दी बताओ क्या करोगे। बोलो मैम क्या ही काम दे दिया है आपने, है ना, क्या ही काम दे दिया है। कर लोगे? हाँ मैम कर लेंगे, पूछो कैसे, किसी ने जवाब नहीं दिया यार, हो जाएगा भैया। हाँ 360 डिग्री वाले हैं कोई, यदि आप उसका वेपराइजेशन कर दो ना यार, पानी में नमक घोल दो, वेपराइजेशन कर दो, नमक तोड़ जाएगा भाई। समुद्र से कैसे नमक बनाया जा रहा है, पानी से ऐसी तो बनाया जा रहा है ना वेपराइजेशन के थ्रू, उसको हम कंडेंस कर रहे हैं, फिर से हम नमक को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पे जवाब है भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो आपका है पानी में चीनी का घुलना, ठीक है, पानी में चीनी का घुलना। हवा में चांदी के जो बर्तन काले होते हैं ये ड्यू टू दी केमिकल रिएक्शन होते हैं, रवि है ना, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा जैसे आपने चांदी पहना है, चांदी कभी भी काली क्यों पड़ रही है, जस्ट बिकॉज उसने ऑक्सीजन, हवा में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन कर लिया, है ना। ताबा काला, ताबा हरा क्यों हो जा रहा है, भाई रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। लोहे में जंग क्यों लग रही है, भाई वो रिएक्शन कर रहा है। तो ऊपर के जो तीनों है, दूध से दही तब बनता है जब आप उसमें दूध में थोड़ा सा नींबू डालो या दही डालो, जब उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु आएगा तब जाके वो दही बनेगा, केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। दैट्स व्हाई पानी में जो चीनी का घुलना है वो फिजिकल चेंज है। इन दूध से दही बनाओ, दही से दूध बना के बताओ जरा, चलो बनाओ, नहीं बना पाओगे, इम्पॉसिबल है। बट पानी में चीनी घुली, चीनी से आप चीनी को क्या कर सकते हो, वेपराइजेशन से बना सकते हो फिर से, थोड़ा सा इसीलिए अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे ही थोड़ी पीसी वाले पूछते हैं, ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कहा था ना आज अच्छे, लाइक वाइक नहीं कर रहे हो ना, शेयर वेयर नहीं कर रहे हो, फिर मन नहीं करता है यार, फिर लगता है बंद ही कर दो। चलो देखो आरपी ने कल प्रार्थना करी थी, उसकी प्रार्थना की वजह से ही मैम आज अच्छी है, थोड़ी ठीक है, भरोसा नहीं है मैम कब बीमार। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बिहार पीएससी वाले तो धुआंधार लगाए हैं प्रश्नों की झड़ी। चलिए बताइए, ये जवाब तो दे दोगे, मुझे उम्मीद है सबके सब दे दोगे। दो लोगों का आया, चार लोगों का आया, पांच का आया, शिव पार्वती का आ गया है, ठीक है, शिव पार्वती जी का आ गया है, ठीक है, सबका आ गया है और एकदम सही है। देखो बच्चों, कभी भी कोई वस्तु ठोस है और ठोस से वो सीधा गैस बन रही है, यानी का देखो ये नहीं कह रहा है कि ये जो ठोस कपूर है ना ये पहले पानी बना फिर पानी से गैस बना, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। कन्वर्जन जो हो रहा है वो ध्यान से देखना, वो सॉलिड का गैस में हो रहा है ना। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज नोन एज बेसिकली सब्लिमेशन, क्या कहलाता है आपका, ऊर्ध्वपातन। क्या ये चीज क्लियर हुई सभी को, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सब्लिमेशन, क्लियर। चलिए सीधा सीधा कन्वर्जन हो रहा है, बीच का कोई झंझट वाला काम नहीं है। अब ये करके दिखाओ बेटा, इस क्वेश्चन का जवाब देना, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोसॉल्यूशन का जो जली विलयन है वो क्या कहलाता है। चलिए एब्सोल्युटली ये सब्लिमेशन का क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है, बहुत पूछता है। साइंस बाय दीपाली मैम से मिला है कि नहीं मिला है आप लोगों को, हमारा टेलीग्राम चैनल, बोले मैम आप भेज नहीं रही है, भेजेंगे यार, रोज ऐसा हो जा रहा है कुछ ना कुछ, देखते हैं। बेटा मुझे सब पता है, तुम लोगों ने चीटिंग करी है, ठीक है, इतना तो मुझे अच्छे से पता है। जब मुझसे धोखे से माउस दब गया था तो ये क्वेश्चन का आंसर भी दिख गया था, झूठ हो तो बोलो, कसम से बोलो, कितने लोगों ने चीटिंग से जवाब दिया है, मुझे सच जानना है यहाँ पर, इतने होशियार नहीं हो है? सम्राट भी आए हुए हैं भैया, अरे बाप रे, नहीं 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 अरे बाप रे,
हो, सब ईमानदार निकले यार। अच्छा अब मुझे समझ आया, तुम लोगों ने आज के पहले क्वेश्चन में ही सीखा था मैच द फॉलोइंग में हाइपो हम किसे कहते हैं, या फिर ये रीजन है, या फिर तीसरा ये है कि तुम लोग अब iPhone 13 Pro हो चुके हो, होशियार हो चुके हो। बताओ जरा क्या है, क्या समझूं मैं इसको? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो हाइपोविलियन, देखो बच्चों हाइपोविलियन जो होता है ना वो आपका सोडियम थायोसल्फेट ही होता है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है मैम हम नहीं थे। हाँ हाँ रवि तुम तो थे ही नहीं। जो हाइपो सॉल्यूशन होता है ना एक्चुअल में, जो हाइपो विलियन होता है वो सोडियम थायोसल्फेट, या हम उसे सोडियम हाइपोसल्फेट भी कहते हैं, उसे कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। जैसे हम कहते हैं ना निकनेम है, जैसे रविशंकर तिवारी का निकनेम घर में शिव बुलाते होंगे, है ना, जैसे बहुत लोगों को बेटू सोना मोना ऐसे बुलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही सोडियम थायोसल्फेट को और सोडियम हाइपोसल्फेट को हाइपो बुलाते हैं। ये उसका निकनेम है बाबू। क्या है? निकनेम है। ठीक है तो मैम ये निकनेम क्यों बनाया गया है, सभी को पता है ना कि क्यों बनाया है भैया? जैसे कि अब घर में इतना बड़ा नाम लेंगे क्या, बताओ ना। तिवारी जी की डिमांड है तो लिख देते हैं। ठीक है ये बाबू छोना मोना वाला नाम है हाइपो सॉल्यूशन, और सोडियम थायोसल्फेट जो होता है वो होता है आपका, देखो थायोसल्फेट है मैम, जो थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है वो होता है H2S2 और SO3। अब सोडियम थायोसल्फेट है तो Na2 लगा दो। ठीक है सोडियम थायोसल्फेट है तो भैया सोडियम लगा दो, दैट्स इट। ठीक है चलिए तो यहाँ पे जो हाइपो होता है मैम ये होता है आपका सोडियम थायोसल्फेट, इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है आगे बढ़े, फॉर्मूला एकदम सही है क्या? Na2H2SO3 होता है, H2 नहीं होगा। ठीक है ना H2 नहीं होगा, थायोसल्फेट। ठीक है तो हाँ सल्फर एंड सल्फेट, ठीक है Na2H2SO3। ठीक है तिवारी जी इज इट क्लियर, लिख लीजिएगा आपकी इच्छा पे बता दिया है। ठीक है क्या हुआ ऐसा, क्या कहा श्रद्धा ने, तुम लोग खुश हो गए? नहीं मैम आंख बंद कर ली थी। अच्छा आंखें बंद कर लिए थे बेटा। जुफू तुमको आंसर नहीं दिखा था? अरे रे रे रे, अरे राम 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 राम। चलो ओहो हो ठीक है कोई बात नहीं, चार्जिंग बस खत्म होने वाली है, सवाल भी खत्म करते हैं यार, है ना 11 बज गया है। ठीक है बोलो मैम इतना भी नहीं पढ़ा दो कि फिर एकदम लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? यूजफुल एलिमेंट इन फोटोग्राफी इज, ए बी सी। सी वाला कौन है? सी वाला नहीं मैम, ऐसा इतना भी नहीं है कि अब हम सी जवाब दे देंगे, इतना भी नहीं है मैम कि सी जवाब दे देंगे। डी भी दे दो, ए बी हो चुका है ना, अमिताभ बच्चन तक पहुंच चुके हो, सी सी ओ बता दो, सी ओ बता दो। आज बड़ा अजीब है देखो, अपना 2 घंटे का सेशन हो गया लेकिन लाइक 50 नहीं किया हो तुम लोग, कभी कभी तो 1 ही घंटे में 50 लाइक पार कर देते हो, मतलब मर्जी के मालिक है भाई। ठीक है बच्चों सी डी वाला तो कोई नहीं है ना। ठीक है मैम सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर ब्रोमाइड में कंफ्यूज हो बच्चों तो मैं बता दूं, फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला तत्व तो जो है वो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, दैट इज AgBr। AgBr ये भी मैं अपने नोट्स में करवाती हूँ, जब मैं सिल्वर के बारे में पढ़ाती हूँ तो वहां में मैंने बताया है, बताती हूँ। ठीक है एब्सोल्युटली श्योर, तो वहां पे बताती हूँ कि जो आपका फोटोग्राफी में यूज होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। क्या यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। तो चलो बच्चों आज हमने बहुत अच्छा सेशन किया, फिंगर क्रॉस शिव पार्वती जी की कृपा से। ठीक है बच्चों तो कल भी करेंगे, शुरू में थोड़ा सा जो 5-10 मिनट का डिले हो रहा है ना ये ग्रहण लग चुका है, इसको भी मैं रिजॉल्व करती हूँ, थोड़ा कुछ ना कुछ हो जाता है, बट ठीक है आप लोग जुड़ जाते हैं, ये आप लोग ये अच्छे हैं आप लोग इतने। ठीक है सेशन को पहले से लिंक बन जाती है तो शेयर वेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों को बता दिया करो कि भैया विज्ञान के बिना पेपर तो नहीं निकलेगा। ठीक है क्योंकि विज्ञान ही है जो आपको बेड़ा पार लगाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन असली यही है, सारे बच्चे नॉन टेक्निकल वाले। ठीक है टेक्निकल वालों को भी बायो नहीं आता। ठीक है तो ये जो कॉम्पिटिशन है ना ये, इसमें आप +5 हो गए ना तो आप निकल जाओगे। ठीक है
तो ये चीज सबको समझाओ, अपने घर में, अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हम कल फिर मिलेंगे, कल फिर कोशिश करेंगे कि दोपहर में 1 बजे वाला सेशन भी हो जाए, बट फिंगर क्रॉस। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।